नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम सामान्य प्रबंधन की बुक का रिव्यू करेंगे और अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। आज जो पब्लिकेशन का अपन देखने वाले हैं वो है पुणेकर पब्लिकेशन। तो 2023 के हिसाब से लेटेस्ट बुक है ये, ठीक है। तो इसमें इंडेक्स थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, क्या कुछ मिलता है वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। व्यापम के हिसाब से बनी है ये सामान्य प्रबंधन, ठीक है, और विगत प्रश्नों के हल भी मिल जाते हैं यहाँ पे। और इसका MRP 240 है, तो आपको हर जगह अलग अलग डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो देख लेते हैं कि इस बुक में क्या कंटेंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें कि टॉपिक दिख रहे हैं। जो चार जो भी बुक आई है, जैसे कि अभी APL का भी करेंगे अपन इसके बाद, ठीक है। तो APL का इंडेक्स है, पुणेकर का इंडेक्स है, उसके बाद अपन कबीर का भी करेंगे, कबीर पब्लिकेशन का जो बुक आता है उसका, ठीक है। तो इनका इंडेक्स मिला लीजिए और चेक कर लीजिए कि सभी के टॉपिक सेम है या नहीं है, या फिर कोई अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या आप लोग के सामने आ रही है कि कैसे करें, कहाँ से पढ़े को समझ में नहीं आ रहा है। तो बुक भी आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही सही, और ना ही लेक्चर मिल पा रहे हैं यूट्यूब पर, कि एक तो समझ में नहीं आ रहा, उसकी लैंग्वेज ऐसी है, खासकर हिंदी मीडियम वालों को बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है। तो इसके लिए मैं कुछ कंटेंट देखूंगा और समय थोड़ा लगेगा उसमें, कुछ अगर समय मिल जाता है तो उसमें अपन या तो अपन लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, या फिर कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल आपको बता देंगे, किसी का वीडियो आपको सजेस्ट कर देंगे कि उससे आपका काम हो जाए, ठीक है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको किसी भी तरीके से मदद पहुँचाना। हमारा ऐसा नहीं होता है कि हमारे वीडियोस ही देखें और आप हमको ग्रोथ करें, ये सब बात अलग हो जाती है। यहाँ पर हमारा सोचना अलग तरीके से है, हम आपका फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये यह है कि इंडेक्स देख लीजिए, प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, संचार, नियंत्रण, नियंत्रण का क्षेत्र, निर्णय, संगठन, संगठन के उपागम, बजट, लेखांकन, लेखा परीक्षा, और ये तीन चार टॉपिक जो है ये वहाँ नहीं मिलते APL में, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण तो मिलता है। उसके बाद इसी में आपको व्यापम के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। ये देखिए शिफ्ट वाइज जो लेबर स्पेक्ट्रम में प्रबंधन पूछा गया था, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो एग्ज़ाम में ये प्रबंधन के क्वेश्चन आए थे, वो समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी में पूछा गया था, तो उसके शिफ्ट वाइज रखे हुए हैं। Group 1, Sub Group 3 कंबाइंड इक्विपमेंट टेस्ट में पूछा गया है 2017 में। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, जो अभी भी फॉर्म निकला हुआ है जिसका, उसके भी निकले हुए, ठीक है। इसके बाद जो एग्ज़ाम में पूछा गया ये है सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड अदर पोस्ट रिक्वायरमेंट टेस्ट, तो उसके शिफ्ट वाइज ऑलरेडी पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ के री एग्ज़ाम भी हुए थे, क्योंकि वो हो सकता है किसी वजह से कैंसिल हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर क्या क्या कवर हो गया इस बुक में। तो अपन इसमें फिर आगे थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में इन्होंने क्या क्या बताया है। देखिए लोक प्रशासन अपने मेन, देखिए जो MPPSC वाले जिन्होंने लोक प्रशासन में प्रबंध पढ़ा है तो उनको ज़्यादा समस्या नहीं होनी। अब जिन्होंने प्रबंध कभी पढ़ा ही नहीं है तो उनके साथ समस्या है, उनको या तो आप NCERT से पढ़िए या फिर आप किसी का वीडियो लेक्चर देखिए तो फिर इसी से समझिए। तो एक छोटा सा छोटा लेकर के अगर चलेंगे आप, तो प्रबंध मैनेजमेंट क्या होता है उससे आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके टॉपिक देखते हैं पहले। फर्स्ट यूनिट में प्रबंधन के बारे में जो बताया जा रहा है, प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट, उसकी डेफिनेशन। तो आपको डेफिनेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन से समझ लेंगे, डेफिनेशन समझने के बाद अगर कोई राइटर ने उसके बारे में कुछ बोला है तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी राइटर के द्वारा कोई डेफिनेशन दे दी गई और फिर वहाँ पर बोला जाएगा कि किस राइटर ने ये बोला है। तो यहाँ पर देखिए किम्बॉल एवं किम्बॉल के अनुसार ये बोला गया है, फिर नीचे जेम्स एंड लुंडी के अनुसार कुछ बोला, हेनरी फेयर ने भी बोला है, ठीक। फिर उसका प्रबंध की विशेषता देख लीजिए आप, प्रबंध की विशेषताएँ बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, और यहाँ से बहुत MCQ बनते हैं, कार्य प्रबंध, लोगों का प्रबंध, मानव प्रबंध, तकनीकी प्रबंध, है ना, व्यवसाय प्रबंध, ये सब क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, लाभ होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाया जाता, क्योंकि ऑलरेडी लैंग्वेज इतनी टफ हो जाती है कि उसको और ज़्यादा टफ किया नहीं जाएगा। तो इसको जिसने अच्छे समझ लिया उसके आप 25 में से 20 नंबर आराम से मान लीजिए। देखिए 15 से अगर 20 मार्क्स भी अगर प्रबंधन में आ रहे हैं, प्रबंध में आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, इससे कम तो नहीं आने चाहिए, इतने तो आने ही चाहिए, एटलीस्ट 15 तो गिरी से गिरी हालत में 15 आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 तो आना ही चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए सबसे पहले मैं इसमें बता देता हूँ कि प्रबंध बहुत टफ हो गया आप लोग के लिए, तो थ्योरी पढ़िए और समझिए, उसके शॉर्ट नोट बना लीजिए, ये इसी टॉपिक के शॉर्ट नोट बना लेंगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है।
और इंग्लिश का लेक्चर लाना होगा तो उसको बता देना, हम उसमें पूरा ग्रामर आपको करवाने का सोच रहे हैं। तो लेकिन अगर उसमें प्रॉपर अच्छे से व्यूज़ आएंगे, एक वीडियो तो मैं डाल दूंगा, ठीक है, अगर उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है, आपका लाइक आते हैं और कमेंट आते हैं और वीडियो अच्छा व्यूज़ आ जाता है, तो ये अपन डालेंगे, अन्यथा समय नहीं बर्बाद करेंगे उस पर। तो यहाँ पे आप पहले थ्योरी लगाएंगे, फिर आप एमसीक्यू लगाएंगे। एमसीक्यू कितने लगाने हैं? एमसीक्यू जितने ज़्यादा लगा सकते हैं। देखिए जितने पेपर ये लोग ने पीछे डाले वो तो आपको लगाने लगाना है। उसके अलावा अरिंद प्रकाशन की जो बुक है उसमें बहुत सारे एमसीक्यू दिए हैं, ठीक है, उसको भी आप लगा सकते हैं। बुक ले लीजिए, कोई एक दोस्त बुक ले ले और उसकी फोटोकॉपी करा करके आप काम कर सकते हैं उसमें। मतलब 5 लोग रहते हैं तो 5 लोग मिलकर अलग अलग राइटर की बुक ले लीजिए, फिर एमसीक्यू लगाइए वहाँ से। फिर यूट्यूब पे भी एमसीक्यू कुछ लोग करवाते हैं, तो उनके एमसीक्यू के वीडियो देखिए जो सही बताते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने एमसीक्यू का आंसर कुछ और पढ़ा, फिर यहाँ एमसीक्यू का आंसर कुछ और बताया जा रहा है, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, चीज़ें वैसे चलेगी नहीं। तो मैक्सिमम आप एमसीक्यू लगाएंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो कोशिश कीजिए पहले आप ये जो अपने क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उसके क्वेश्चन देखिए, उसको देखिए, उसका सही आंसर देखिए, एक बार देख लीजिए, एक को एक सेट देख लीजिए, 1 से 2 सेट देख लीजिए, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन बनता कैसा है। फिर आप जाकर के थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़िए अच्छे से, फिर उसके बाद आप एमसीक्यू देखिए। इस प्रकार से अगर आप एक अप्रोच के साथ चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपको लगभग 20 क्वेश्चन सही होने की संभावना पूरी है, ठीक है। फिर आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है चीज़ों को लेकर के, वो भी एक अलग चीज़ हो जाती है। आगे चलेंगे तो इसकी प्रबंधक की विशेषता यहाँ पे 15 बताइए। प्रबंधक के उद्देश्य क्या होते हैं? संगठनात्मक जो उद्देश्य होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाए, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और पुनेकर की अच्छी आदत है कि इसमें थ्योरी काफ़ी अच्छी दी है इन्होंने, तो इसको आप यहाँ से थ्योरी से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, पुनेकर से भी लगभग क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद अपन APL को भी देख लेंगे कि APL में कैसा कंटेंट है, ठीक। तो अपन ने इसमें एक ही यूनिट ली है, एक यूनिट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बाकी यूनिट में कैसा दिया होगा इन्होंने कंटेंट। प्रबंध की प्रकृति एवं स्वभाव के इस प्रकार का है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, प्रबंध की विषय वस्तु मनुष्य है, प्रबंध के कुछ सामाजिक दायित्व भी है, व्यावसायिक क्षेत्र में प्रबंध की विशेष महत्व। तो ये व्यावसायिक से और ये मानव वस्तु मनुष्य है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी मिल चुका है वहाँ, ठीक। नेक्स्ट आगे चलेंगे टॉपिक, तो ये हो जाएगा कि प्रबंध की प्रकृति का कला एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उसके बारे में लिखा गया है जानकारी थ्योरी, ठीक है। तो ये जानकारी आपको मिलने के बाद मिल जाएगा कि प्रबंध का महत्व क्या होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके ये बुक एटलीस्ट आपको प्रबंध या पटवारी में तो काम में आ ही रही है, और आपको MPPSC मेंस में भी काम में आ जाएगी न्यू सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे लोक प्रशासन में प्रबंध दिखता है, ठीक। तो वहाँ पे भी वहाँ से शॉर्ट नोट्स आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं यहाँ पे। अब प्रबंध का महत्व क्या होता है, 5 मार्कर में लिखे, तो यहाँ से 5 मार्क्स मतलब उठाकर 5 पॉइंट लिख सकते हैं, आराम से काम हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और सीधा बनेगा, MPPSC में प्रबंध एक विज्ञान के रूप में समझाइए, तो ये 5 मार्कर में आप पढ़ के भी समझा सकते हैं। तो आपको मल्टीलेटर काम कर रही है ये, सिर्फ MPPSC के लिए नहीं, व्यापम के लिए भी काम कर रही है, व्यापम और MPPSC दोनों में काम में आ जाएगी। प्रबंध एक पैसे के रूप में है, और फिर यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, कंटेंट थ्योरी बहुत अच्छी है, और MCQ तो आपको फिर यही दिए गए इनके द्वारा पीछे, तो उसको देख करके आप कर सकते हैं। और प्रबंध की पोस्ट कॉर्ब जो अवधारणा है, और फिर उसका MBO जो तकनीक है उसकी, उसके बारे में अगर यहाँ पे बुक में मिल रहा है, इसका मतलब ये मान लीजिए कि इन्होंने अच्छे से कवर किया है। अगर ये दोनों तकनीक नहीं मिल रही है किसी बुक में, तो ये मान लीजिए कि वो बुक लेने लायक है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलेंगे, फिर आगे है अपवादी प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया है। हम लोगों ने जो MPPSC मेंस के क्वेश्चन दिए थे, और जो अपना ये जो इसकी आंसर राइटिंग कराई है, इसमें आंसर राइटिंग में अगर आपने उसको पढ़ा होगा, अच्छे से आंसर राइटिंग की होगी, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि उनके लिए सबसे आसान हो गया ये चीज़, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर करवा दिया हमने प्रबंध, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम उन लोग को जाएगी जो लोग जुड़े ही नहीं थे, और फिर बाद में अभी एकदम फ्रेशर है। तो पोस्ट कॉर्ब तकनीक में ये पूछ लेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या पोस्ट कॉर्ब में ओ का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक। साइबरनेटिक्स क्या होता है इसके बारे में पूछ लेंगे, और ठीक ये देख लीजिए आप यहाँ पे कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। CPM क्रांतिक पद्धति क्या होती है उसके बारे में बात हो रही है। फिर आगे चलेंगे कुशल प्रबंध की कसौटियाँ क्या होती है, और यहाँ से भी एक MCQ पूछा गया है, ठीक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ आगे बढ़ा करके, तो लगभग इन्होंने जो दिए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो टोटल कितने हो जाते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा, फॉन्ट क्लियर हो जाएगा अभी। तो ये इन्होंने लगभग 429 MCQ दिए हुआ, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए और इधर देख लीजिए। तो यहाँ से इतने MCQ देने के बाद आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं,
कि ये बुक ले ले वो बुक ले ले, तो 429 एमसीक्यू ये हो जाएंगे, और पिछले पेपर के जो लगभग मान लीजिए 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो लगभग 700 क्वेश्चन अगर एमसीक्यू लगा रहे प्रबंध के तो बहुत है, इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये 700 एमसीक्यू जो है, लगभग 700-800 जो एमसीक्यू है, इन्हीं को आपको अगर 3 से 4 बार लगाने पड़ेंगे। देखिए, 3 से 4 बार थ्योरी लगाई और 3 से 4 बार एमसीक्यू पढ़िए, तो इतने में आपका प्रबंध एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपको कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बार प्रबंध आपका हो गया क्लियर अच्छे से, तो आप कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। मैक्सिमम लोग जो रुकने वाले हैं वो है प्रबंध और इंग्लिश में, तो इंग्लिश का हम कोर्स डाल देंगे, एक लेक्चर आपको बता दिया गया है। और कंप्यूटर के जो बुक आया है अपना पुणेकर का सॉल्व पेपर का, जिसमें व्यापम के पूरे क्वेश्चन है ना, लगभग वो मान लीजिए 7000+ उसमें क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो उसका अपन पीडीएफ जो है उसको थोड़ा सा 2-4 पेज जो है अपन उसके पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन आपको करवाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ना दें, क्योंकि वो बुक है वो काफ़ी मोटी, मान लीजिए 600 पेजेस के आसपास है, तो अगर रेगुलर आपको सिर्फ एमसीक्यू करवाया जाए और बहुत ज़्यादा जानकारी में ना जाए, तो वो बुक तब भी ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो बुक अपन चालू करने वाले हैं, और उस बुक का फोटो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इस बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बुक को अपन ख़त्म करवाना चाहते हैं, और इस बुक को एमसीक्यू आप लोग को चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एक तो आपको किसके किसके लिए कमेंट करना है, इंग्लिश के जो ग्रामर पार्ट है उसको अच्छे से समझाएंगे हिंदी में, ठीक है। और इसके बाद जो करवाने वाले वो कंप्यूटर का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके एमसीक्यू करवाने वाले हैं, तो ये दोनों करवाएंगे। अब इसमें से प्रायोरिटी आपकी है कि पहले कौन सा करना है या फिर दोनों एक साथ चला दें, कमेंट करिएगा, उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अन्यथा दोनों वीडियो नहीं आ पाएंगे। आगे चलते हैं, तो इसमें सामान्य प्रबंधन के कुछ ये क्वेश्चन जो अपन ने पहले डिस्कस किए थे कि भाई लेबर इंस्पेक्टर के जो शिफ्ट है उस शिफ्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे कोई भी जूम करके देख लीजिए। निम्नलिखित में से क्या उसके या उसकी कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ठीक है, बताइए सामान्य दृष्टिकोण से क्या संबंधित है। कार्य की संतुष्टि, संगठनात्मक व्यवहार, कार्य में भागीदारी और संगठनात्मक प्रतिबद्धता। तो जब तक आप ये सब क्वेश्चन नहीं देखेंगे और इसको आप गलत नहीं करेंगे, सभी मेरे हिसाब से आपको ये क्या करना चाहिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी लगाइए और अपने हिसाब से तुक्का मार के देखिए। मान लीजिए इसमें संगठनात्मक व्यवहार है आपके हिसाब से, कुछ भी मान लीजिए, आपको जो लगता है ठीक वो मान लीजिए, ठीक है, या कार्य की संतुष्टि मान लीजिए, और फिर ये अगर आपका गलत हो रहा है तो आपको एक तो पढ़ने में ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या था, वो क्या पूछना चाह रहा था, और फिर आप जब वहाँ जा कर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, और ये क्वेश्चन जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो ये एक अप्रोच मैंने जो आपको बताई काफ़ी अच्छी है, इसी हिसाब से आप काम करेंगे तो प्रबंध का काम तमाम कर देंगे आप, ठीक है। तो वीडियो तो यहीं पर समाप्त करते हैं, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना था, 12 मिनट का हो गया तब भी, तो वीडियो तो अच्छा लगा होगा मुझे लगता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके काम की ही चीज़ बताई जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।